बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार अब राजधानी दिल्ली में लगने वाला है, और इसी विषय को लेकर आज जो है राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, और आयोजक रवि गुप्ता जी और अन्य आयोजक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज प्रेस वार्ता के मुद्दे रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे दिव्य दरबार जो अब दिल्ली में लगने वाला है? देखिए, आज की प्रेस वार्ता इस विषय में रखी गई कि दिनांक 5 से 8 जुलाई को जो परम पूज्य गुरुदेव का आगमन दिल्ली में होने जा रहा है, उसके एक विस्तृत जानकारी देने के लिए आयोजन समिति के काफ़ी सदस्य आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। दिनांक 5 से 8 जुलाई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आगामी 5 तारीख को 5 जुलाई को भव्य कलश यात्रा का आयोजन रहेगा, जिसमें हजारों की संख्याओं में महिलाओं की उपस्थिति रहेगी। लगभग 1100 मीटर की दायरे की लगभग 3 घंटे के सफर के साथ ये कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हजारों की संख्या में इसमें वॉलंटियर्स, उसमें बैंड बाजा बारात, उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए झांकियों की व्यवस्था की गई है आयोजन समिति की तरफ से। 6, 7 और 8 जुलाई को तीनों दिन प्रातः 8 बजे से 21 कुंडिये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और साथ ही साथ शाम 4 बजे से, जैसा कि सभी लोग जानना चाह रहे थे कि कथा का समय क्या रहेगा, तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने ये बताया सभी मीडिया बंधुओं को कि शाम 4 बजे से दिनांक 6, 7 और 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हनुमंत कथा का आयोजन रहेगा। जो श्रद्धालु आने वाले हैं राजधानी दिल्ली में, उनके लिए क्या सुविधाओं का इंतजाम किया गया? जहाँ तक सुविधाओं की बात है, आयोजन समिति ने मिलकर तय किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि कहीं से भी आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी प्राथमिक सुविधाएं हो, उन सभी चीज़ों का पूरा ख्याल रखा गया है। कोई आंकड़ा तय किया गया कितने लोग आ सकते हैं? जब संत समागम होता है तो इसके आंकड़ों की चिंता नहीं होती या उनकी गिनती नहीं होती, तो हजारों से लेकर लाखों तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त आएंगे, आयोजन समिति उनका हृदय से अभिनंदन करती है, उनकी व्यवस्थाएं तय की गई। अच्छा, जब बिहार में जब बाबा का दरबार लगा था, हमने देखा 10 लाख तकरीबन जो श्रद्धालु उमड़े थे, लेकिन एक चीज़ विरोध में पोस्टर भी लगे थे, तो क्या लगता है दिल्ली में अगर ऐसी स्थिति आती तो डील कैसे करेगा मैनेजमेंट? देखिए, ये हमेशा से होता आया है, चाहे वो देवों का समय था तब भी दानव इस प्रकार के काम करते थे, जब यज्ञ होता था उसमें हड्डियाँ फेंकने का काम करते थे, और ये आज के समय भी हो रहा है। तो इसका जहाँ तक बात है कि किसी तरीके से मैनेजमेंट की, उसके लिए कोई विशेष तौर पर टीम नहीं तैयार की गई है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम धर्म के लिए अपना काम कर रहे हैं, और ये हमेशा से होता आया है कि जीत हमेशा धर्म की होती है, सच्चाई की होती है, तो अब भी वही होने जा रहा है। जो लोग आपको देख रहे हैं वो दरबार तक कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत आसान माध्यम है। जिस कथा स्थल की हम बात कर रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली के ऐसे हिस्से में लोकेटेड है जहाँ के 100 मीटर के दायरे में वहाँ पे मेट्रो स्टेशन और लगभग 500 मीटर के दायरे में एक बड़ा बस अड्डा और आनंद विहार बस अड्डा जिसे कहते हैं, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन वहाँ पर है। साथ ही साथ वहाँ पर और दूसरी व्यवस्थाएँ की गई हैं, NH 24 बिल्कुल साथ में है, तो आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा पहुँचने में नहीं होने वाली है। आयोजन समिति की तरफ से वहाँ पर साइनेजिस का इंतजाम किया गया है ताकि उनकी व्यवस्थाओं के बारे में उनको जानकारी पूर्ण रूप से मिल सके। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और भी जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, उत्साह कितना है आपके मन में और लोगों के बीच में? क्या हमारे मन में बहुत उत्साह है, बाबा के सारे भक्त उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बाबा आए, और हम आयोजन समिति पूरा लगन से 24/7 दिमाग से, शरीर से, तन से, मन से उस आयोजन के लिए लगे हुए हैं। आयोजन होने जा रहा है और पूरा भव्य होने जा रहा है, ये बात पक्की है, और सब के सब एकजुट एक छत्र छाया के नीचे सब लगे हुए हैं। तो सर, जो ये आयोजन है इसको सफलतापूर्वक बनाने के लिए कितने महीनों से प्रयास किया जा रहा है? लगभग 1.5 महीने से तैयारियाँ चल रही हैं, और ग्राउंड पर जो टेंट की व्यवस्था है वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए ये व्यवस्था देखने के लिए आयोजन समिति एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ही मतलब वचनबद्ध है और बहुत ही उसमें तन मन से लगी हुई है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी कि कहीं पे कोई अव्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। स्थानीय लोगों का बहुत बड़े स्तर पर देखते तो उनका अंदर उत्साह जो है वो देखने लायक है। सर, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आयोजन होने वाला है, दिल्ली का मौसम हमने देखा है कभी बदल जाता है, मानसून कभी गर्मी, तो ऐसे में जो श्रद्धालु होंगे जो लाखों की संख्या में उमड़ेंगे, तो क्या कुछ रहने वाली फैसिलिटीज़ उनकी? मैं आपको बताऊं, इसका पूरा ख्याल हमारी आयोजन टीम से किया गया है। मौसम को देखते हुए हमने पहले तो वाटरप्रूफ टेंट लगाया है, उसके साथ गर्मी को देखते हुए हमने बाकायदा उसके पंखे, कूलर, हवा की पूरी व्यवस्था करी गई है वेंटिलेशन की, पानी का व्यवस्था 24/7 आयोजन समिति की तरफ से किया जाए कि जितने भी आदमी आए उनको पानी और भोजन की व्यवस्था करिए ताकि कोई भी आदमी भूखा ना जा सके, प्लस प्राथमिक चिकित्सा
उसके लिए भी 24/7 एक डॉक्टरों की पूरी डेडिकेटेड टीम वॉलंटियर्स के साथ दी गई है। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, 3 हॉस्पिटलों के साथ जो अपना इसमें सहयोग देंगे। बाकी और भी हॉस्पिटल हमारे को संपर्क कर रहे हैं कि वो भी इच्छा अनुसार देना चाहते हैं, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, बालाजी महाराज से, कि ऐसा नौबत ना आए कि हमें हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी चिकित्सा की किसी को भी ज़रूरत पड़े। लेकिन कोई भी स्थिति आती है तो हमारी आयोजक टीम हर स्थिति के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर सिक्योरिटी के लहजे से बात करें तो बाबा की सिक्योरिटी और जो भक्त आएंगे उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम, मैं सिक्योरिटी के तौर पे आपको बताऊं तो बाबा की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ अपनी भी सिक्योरिटी होती है, प्लस प्रशासन ने और सिक्योरिटी एजेंसियों ने हमें टीम दी है, वो उनकी सिक्योरिटी भी रहेगी। प्लस आयोजन समिति की तरफ से भी एक उनकी सिक्योरिटी लेयर तैयार की गई है। प्लस हमने CCTV कैमरे के माध्यम से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी अपने कैमरे लगा रही हैं, हम भी लगा रहे हैं, कंट्रोल रूम में बैठ के चारों दिशाओं से चारों तरफ चप्पे चप्पे में नज़र रखेंगे और एक एक घटना को कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न भी ना हो जो ऐसे कोई अप्रिय घटना हो। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार है अब राष्ट्र राजधानी दिल्ली में लगने वाला है। 5 से लेकर 8 जुलाई में जो है ये दरबार लगने वाला है, और किस तरह से जो भक्तगण है यहाँ पर आ सकते हैं ये जानकारी जो आयोजक थे इन्होंने हमने ली। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दरबार के बारे में, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।